लोहार नगर में बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। विभाग की अनदेखी एवं लापरवाही के चलते कहीं बिजली पोलों में करंट दौड़ रहा है तो कहीं आए दिन जर्जर तार टूटकर गिर रहे हैं। करंट की चपेट में आने से दर्जनों गोवंशों की अब तक मौत हो चुकी है, फिर भी वरिष्ठ अधिकारी लापरवाही बरतने वालों पर कार्यवाही न करके मूक दर्शक बनकर किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं। बिजली विभाग की लापरवाही का ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है। बिजली सप्लाई डिवीजन में कर्मचारियों की मौजूदगी में गोवंश घुसे रहते हैं और कर्मचारी बेपरवाह होकर देखते रहते हैं। कभी भी हो सकता है हादसा, फिर कौन होगा इन गोवंशों की मौत का जिम्मेदार? क्या ऐसे ही चलती रहेगी लोहार विद्युत मंडल की लापरवाही? क्या करंट की चपेट में आने से होता रहेगा गोवंश मौत का शिकार? और प्रशासन गायों की मौत की घटनाओं के मामले को सबूत मिटाकर करता रहेगा रफा दफा? मेंटेनेंस के नाम पर रोज हो रही घंटों बिजली कटौती, गर्मी से बेहाल हो रहे नगरवासी, विभाग के लापरवाह रवैये पर आखिर वरिष्ठ अधिकारी क्यों नहीं दे रहे ध्यान? लोहार नगर में बिजली विभाग कई गायों की जिंदगी लील गया, उसके बाद भी लापरवाही का रवैया बरकरार है। वरिष्ठ अधिकारी बिजली विभाग लोहार शाखा के लापरवाह रवैये की अनदेखी कर रहे हैं। दर्जनों गोवंश बिजली पोल में दौड़ रहे करंट, कहीं टूटकर गिर रहे जर्जर तारों के करंट की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गए और बिजली डिवीजन सप्लाई क्षेत्र में ही गोवंश पोल और डीपीओ के बीच घुस रहे हैं और ड्यूटी पर रह रहे कर्मचारी बेपरवाह होकर किसी घटना का इंतजार कर रहे हैं। आखिर बिजली विभाग पर वरिष्ठ अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते? वरिष्ठ अधिकारियों को गायों की मौत के मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए और लापरवाह बिजली विभाग बिडल शाखे अधिकारी कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करना चाहिए, जिससे आगे कोई बड़ी घटना घटित ना हो। करंट से मरती को वंश के प्राण बचें। जय गौ माता। भिंड से श्याम सुंदर उपाध्याय की रिपोर्ट।